बात करें तो जो भारतीय जनता पार्टी जो सहयोगी दल है, चाहे अपना दल हो, चाहे हम ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की बात करें, हर कोई अब उनसे अपनी नाराजगी जो दिखा दे रहा है, आपके कामों की उन्होंने तारीफ की है, तो क्या भविष्य में उनको अपने साथ लाने का काम करेंगे? आने वाले समय में किस तरह का गठबंधन होगा, कौन कौन साथ आएंगे और कौन कौन साथ आना चाहते हैं, ये विकल्प खुला है। और समाजवादियों ने काम करके दिखाया था, लेकिन समाजवादियों को कम से कम जो जनता को पसंद हो वो बातें भी हमें जनता से रखनी पड़ेंगी। सर, महागठबंधन को लेकर के कांग्रेस तरफ आपका क्या रुख है? महागठबंधन में मैं पहले भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने देश में एक बार समाजवादियों की सरकार को हटाया झूठ बोल करके उत्तर प्रदेश में, और तमाम सपने दिखाए थे, और उन्होंने एक समय पर हमें समाजवादियों को न जाने क्या क्या कहा था, याद होगा उपचुनाव में क्या कहा था समाजवादियों को लेकर के, कि ये दल क्या है जो गठबंधन करने जा रहे हैं, उनके बारे में क्या शब्दों का इस्तेमाल किया था। मैं उसके लिए कई बार धन्यवाद दे चुका हूँ, और मैं उन्हें इस बात का भी धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, कि कम से कम उन्होंने हमें बैकवर्ड समझा। हम तो अपने आप को बैकवर्ड ही नहीं समझते थे, हम तो सबको साथ लेकर के चलना चाहते थे, काम पर वोट मांग रहे थे, लेकिन जात पर और धर्म पर वोट मांगा भारतीय जनता पार्टी ने। और हम कांग्रेस का भी धन्यवाद देंगे कि मध्य प्रदेश में हमारे विधायक को मंत्री नहीं बनाया, हम उनका भी धन्यवाद देते हैं और भारतीय जनता पार्टी का भी धन्यवाद देते हैं, कम से कम समाजवादियों का रास्ता साफ कर दिया। सर, लोक भवन में जो मूर्ति अटल जी की लगाने का प्रस्ताव पास हुआ, योगी ने पास किया है, मैं बधाई देता हूँ सरकार को, मैं बधाई देता हूँ सरकार को कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जी की एक बड़ी प्रतिमा लगाने का फैसला लिया है। लोक भवन जनता का भवन, और जनता जिनको चुन करके भेजे उनके लिए वो भवन था। मुझे खुशी है इस बात की कि उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया है कि वहाँ प्रतिमा लगेंगी आने वाले समय में, क्योंकि समाजवादी सरकार में बना था और जनता के पैसे से बना है, इसलिए समाजवादी लोग भी किसी न किसी नेता की प्रतिमा वहाँ जरूर लगाएंगे, जिससे उस नेता का भी सम्मान हो।